पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पार्लियामेंट अच्छे से कवर कराया डिटेल, जैसे हम यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का टॉपिक है वो हमने आपको कहा था हम आपको कराएंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। हमने पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर को जोड़ के किया ही इसलिए कि स्टेट लेजिस्लेचर 99% तक पार्लियामेंट के साथ सिमिलर है, बस बदलेंगे अगर तो कुछ नाम ही बदलेंगे, बाकी सब कुछ 100% सिमिलर है। ओके, आज हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के माध्यम से। जो चीज़ें सेम हैं मैं कहते जाऊंगा कि इसके लिए आप पार्लियामेंट के टॉपिक को रेफर करिए, और जो जो जहाँ जहाँ पर बताना है वो मैं बताते जाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक पार्ट 6 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का जिक्र आता है। तो जहाँ यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि जो यूनियन है उसका जिक्र पार्ट 5 में आता था, वहीं स्टेट लेजिस्लेचर का जिक्र पार्ट 6 में आता है। आर्टिकल 168 से लेकर के 212 के बीच में इसका जिक्र आता है। अगर हम बात करें तो इन्हीं आर्टिकल्स के तहत इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसकी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डिटेल में मेंशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारी कंट्री में जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं सभी राज्यों में वो यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ राज्यों में यूनिकैमरल है, कुछ राज्यों में बाइकैमरल है, यानी कि कुछ राज्यों में एक सदनी है, कुछ राज्यों में दो सदन है। यहाँ पर जो लोअर हाउस होता है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, और जो अपर हाउस होता है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। कितने राज्यों में ये बाइकैमरल है अभी हम यहाँ लिख देंगे, बाकियों में सब यूनिकैमरल। ओके, तो जहाँ जहाँ बाइकैमरल है वहाँ पर दो सदन है, यानी कि लोअर हाउस है दैट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ द विधानसभा। यहाँ पर नाम बदल गया, लोकसभा नहीं है, विधानसभा है। और जो अपर हाउस है दैट इज़ द विधान परिषद। अब इसका कॉम्पोजिशन किस मैनर में होता है, वो इस मैनर में होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है जिन जिन राज्यों में ये यूनिकैमरल है वहाँ पर ये गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली से कंपोज होती है, जिन जिन राज्यों में बाइकैमरल है वहाँ पर गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, इनसे मिलकर के वहाँ की राज्य की विधायिका बनती है। ओके, ये इन सारे मेंबर से बनती है, तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो इसे हम कहते हैं राज्यों के मामले में विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर उस राज्य की विधायिका। जैसे देश के स्तर पर संसद है, राज्यों के स्तर पर विधायिका होता है, ठीक है, यहाँ पर कानून बनते हैं। ओके, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, आपको इस लेक्चर के बाद डिटेल में एक लेक्चर लेजिस्लेटिव काउंसिल पे दिया जाएगा कि क्या राज्यों में सेकेंड चैम्बर होना चाहिए कि नहीं। उसमें केस स्टडी के तौर पर हम आंध्र प्रदेश को टारगेट करेंगे, और आंध्र प्रदेश के केस स्टडी के माध्यम से डिटेल में समझाएंगे कि दूसरा सदन होना चाहिए कि नहीं, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और उसका पर्पस क्या है, वो सारा हम उस लेक्चर में बताएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मामले में सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जन्म देने का अधिकार किसका होता है, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कानून बना करके विधान परिषद को जन्म देती है, और पार्लियामेंट ही विधान परिषद को अंत भी कर सकती है। तो विधान परिषद बनाने और खत्म करने की क्षमता पार्लियामेंट के पास होती है, ये पहली चीज़। सेकंड चीज़, विधान परिषद पार्लियामेंट के द्वारा तभी बनाई और ख़त्म की जाएगी, शर्त ये है कि जिस भी किसी राज्य के लिए ये विधान परिषद बनाई जा रही है या जिस भी किसी राज्य में विधान परिषद पहले से उसे ख़त्म किया जा रहा है, उस राज्य की विधानसभा में यानी कि उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। अगर वो राज्य रेजोल्यूशन पास करता है कि हमें विधान परिषद चाहिए तो पार्लियामेंट विधान परिषद बना के देगी। अगर वो राज्य ये रेजोल्यूशन पास करता है अपनी विधानसभा में कि हमारी विधान परिषद को ख़त्म कर दीजिए यानी कि भंग कर दीजिए, तो फिर पार्लियामेंट उसे भंग कर देगी। विधान परिषद के अंदर ये रेजोल्यूशन, ध्यान से सुने, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास नहीं होना चाहिए। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दोनों कंडीशन मिलती हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी।
एक बारी जब उसके संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा यानी कि उसका कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ विधान परिषद बनाने या भंग करने का रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर उसके रिलेटेड जो भी लॉ लाया जाता है वो आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की लॉ की बराबरी नहीं रखता, वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह आता है। तो पार्लियामेंट के अंदर ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस है, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही ये काम हो जाता है। ये दो बातें समझनी है, संबंधित राज्य की विधानसभा के लिए ये स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोसेस है, लेकिन जब एक बारी वो कर ले तो पार्लियामेंट के अंदर ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, आर्टिकल 368 की तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के प्रोसीजर की तरह ये नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया और बात की जो मैंने आपको समझा दी, बाकी इसका सब कुछ मेल खाता है पार्लियामेंट के साथ ही। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी सब पार्लियामेंट के साथ मेल खाता है। पार्लियामेंट का लेक्चर सुनिए, चैप्टर पढ़िए, ज़िंदगी को मदमस्त बनाइए। अगला है कॉम्पोजिशन। जब कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो दो हाउसेज हैं, पहला हाउस लोकसभा, दूसरा हाउस सॉरी पहला हाउस विधानसभा, दूसरा हाउस विधान परिषद। तो हम पहले कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ की बात अगर करें तो इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलाउड है 500 और मिनिमम स्ट्रेंथ अलाउड है 60, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 500, कम से कम 60 हो सकते हैं। ओके, 60 से 500 तक लेजिस्लेटिव असेंबलीज की स्ट्रेंथ वेरी करती है। आई बात समझ में? ये कितना लिखा है प्रियंका, प्रीति? ये ऐसा 100 लग रहा था मुझे, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये सिंबल बनाया यो यो, तो ठीक है 500 है। इतने समय के बाद भी अगर मेरी लिपियाँ नहीं समझ में आ रही तो मैं अपना पुरातत्व विभाग लेके कहाँ जाऊँ? Where should I go with my archaeological writing? ये बेटा सनौली से नहीं प्राप्त हुई लिपियाँ हैं, मैं सनौली ही समय से हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 है और जो मिनिमम है कितनी है बेटा जैस्मिन? किताब में कितना लिखा है? 60 लिखा है किताब में। और इसके अलावा भी सवाल ये आएगा, 60 से कम भी हो सकते हैं? नई किताब से वेरीफाई करके बता देना जल्दी जल्दी, मैंने पुरानी से लिखा है। 60 से कम भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, कुछ राज्यों में जनसंख्या इतनी कम रहती है तो 60 से कम भी हो सकती है। अरुणाचल, सिक्किम, गोवा में जैसे 30 सीट हैं, ठीक है वेरीफाई, मैं सीरियस कह रहा हूँ, वेरीफाई करें साथ साथ। अरुणाचल, सिक्किम, गोवा में ये 30 भी है और मिजोरम में 40, नागालैंड में 46 भी है। मिजोरम में 40, नागालैंड में 46 भी है। ओके, देखिए मिनिमम स्ट्रेंथ से कम आ गए, तो ये स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर 60 से भी कम अलाउड है क्योंकि जनसंख्या बहुत ही कम है। इसमें से सिक्किम और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग भी हैं, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं। सवाल बन गए तीन, क्या संविधान के तहत ऐसी कोई मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है? बताई गई है मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। सही मायने में उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। संविधान में दी गई है 60 और 500 और मेंटेन कौन करता है एक्चुअल लेवल पे? पार्लियामेंट। पहला सवाल तो ये होगा। दूसरा सवाल, क्या ऐसे भी राज्य हैं जिनकी स्ट्रेंथ मिनिमम स्ट्रेंथ से भी कम जा सकती है? सत्य है, जा सकती है। तीसरा सवाल आ गया, क्या ऐसे भी राज्य हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी हैं? सत्य है, ऐसे भी राज्य हैं। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना। ओके, इतनी बात यहाँ पर साबित हुई। अब आती है नॉमिनेटेड मेंबर, वो सेम कहानी लोकसभा वाली विधानसभा में भी, वहाँ पर एंग्लो इंडियन से दो मेंबर नॉमिनेट होते थे, कौन करता था? राष्ट्रपति। यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर नॉमिनेट होगा, कौन करेगा? राज्यपाल, अगर वो एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हो रहे हैं तो शर्त है। और ये शुरुआत में लाया गया प्रावधान 10-10 साल के लिए था और मैंने बता दिया कौन सी लेटेस्ट अमेंडमेंट है जिसने इस प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया। एक 126 अमेंडमेंट एक्ट, ये एंग्लो इंडियन वाला रिजर्वेशन जो है इसका टंटा खत्म कर दिया गया। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सारा प्रोसेस पार्लियामेंट वाला सेम, कुछ नहीं पढ़ाना नया। रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स, सारा प्रोसेस पार्लियामेंट वाला सेम। रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर एस सी एस टी, पार्लियामेंट वाला सारा सेम, कुछ नहीं पढ़ाना। कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल में आ गए, स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम 1/3 ऑफ द असेंबली, जितनी भी असेंबली की स्ट्रेंथ है उसका 1/3 मैक्सिमम होगा।
मिनिमम 40 मेंबर, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द असेंबली को रखा। संविधान सभा में बहस चढ़ी कि सेकंड हाउस चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि सेकंड हाउस चाहिए, फिर जो इसके क्रिटिक थे उन्होंने कहा सेकंड हाउस क्यों चाहिए, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने में, ये तो हर रोज उनके राजमार्ग में अवरुद्ध पैदा करेगा। तो फिर किसी ने कहा इसका तोड़ निकाल देते हैं, इसकी स्ट्रेंथ पेरिनियली विधानसभा से कम रखते हैं, और कितनी रखते हैं 1/3 रख देते हैं, जितनी विधानसभा की स्ट्रेंथ होगी उसका 33% इसकी स्ट्रेंथ कर देते हैं, फिर ये कैसे अवरुद्ध पैदा करेंगे, फिर इनका जो रियल पर्पज़ है ये उसी लिए काम करेंगे, ये पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हैम्पर नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी विधान परिषद की, विधानसभा ऑफ द असेंबली, और मिनिमम कितनी 40, ये संविधान में दी गई है। एक्चुअल स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, मैंने लिखा ये कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स्ड है, एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सारा क्रिटिक इस सिस्टम का, सारा सही है सिस्टम, गलत है सिस्टम, क्या रीजनिंग है, सारा पार्लियामेंट वाला, कुछ लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ समझाया नहीं कहाँ से कितने मेंबर आएंगे, सारा जो इसके बाद लेक्चर आने वाला है कि सेकंड चैम्बर चाहिए कि नहीं उसमें सारा। तो ये कॉलम पास ओके। ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेस सारा पार्लियामेंट वाला, कुछ नया है ही नहीं, बस यही है कि उसमें हर दूसरे दूसरे साल पे क्या होता रहता था, कितने मेंबर रिटायर होते रहते थे, 1/3। तो कौन करवाता रहता था उनको रिटायर, कैसे होते रहते थे, यहाँ पे गवर्नर, सिंपल सी कहानी। मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, आप कैसे मेंबर बन सकते हैं, तो क्वालिफिकेशन सारा सेम पार्लियामेंट वाला, बस हाँ एक बात इसमें अलग है, अगर तो गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है, तो अगर तो गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है तो उस राज्य के इलेक्टर होने चाहिए, उस राज्य के रेजिडेंट होने चाहिए। ये नहीं ना गवर्नर के नॉमिनेशन के माध्यम से उस राज्य की विधान परिषद में केंद्र सरकार जो है वो प्रेसिडेंट को कहे, प्रेसिडेंट के बाहर गवर्नर को कह के बाहर बाहर के लोग ला करके नॉमिनेट कराते रहे, या उस राज्य की भी सरकार अगर गवर्नर के बाहर मेंबर नॉमिनेट करा रही है तो बाहर बाहर के लोगों को ला करके नॉमिनेट कराती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस राज्य का इलेक्टर होना चाहिए प्रेसिडेंट, और अगर वहाँ की विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हो तो पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। जैसे केंद्र में चुनाव लड़ने थे तो पूरे भारत में कहीं भी एक इलेक्टर के तौर पर आप दर्ज हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर राज्य के चुनाव हैं विधानसभा के, विधान परिषद के, तो विधान परिषद में गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड हो तो भी, और अगर विधान सभा में चुनाव के माध्यम से आप जा रहे हैं तो भी, उस स्टेट के इलेक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। आई बात समझ में? अभी बात बड़ी उठी थी ना जो मिठुन ने अपने आप को मुंबई से ले जा करके बंगाल में एज ए वोटर रजिस्टर करा लिया था, तो ये बात छिड़ी थी कि लग रहा चुनाव लड़ने वाला, क्योंकि वो एज एन इलेक्टर उसने खुद को रजिस्टर करा लिया था, क्योंकि ये तो पहली प्री कंडीशन है चुनाव लड़ने के लिए। इस बात पे माहौल सरगर्म आ गया, सरगर्मियाँ होती रहती हैं, आपको पता ही है, अभी मिठुन का आपको पता ही है, सरगर्माया हुआ आदमी है भाई, मजा हुआ ये कोबरा किंग कोबरा। डिस्क्वालिफिकेशन, बाकी सारा पार्लियामेंट वाला सेम, उसमें जो काम राष्ट्रपति को करना है वो काम यहाँ गवर्नर का डिसीजन। ओथ और अफर्मेशन, बाकी सारा पार्लियामेंट वाला सेम, वहाँ जो राष्ट्रपति के सामने होना है यहाँ गवर्नर के सामने होना। सीट खाली होने का आधार सारा पार्लियामेंट वाला सेम। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारा पार्लियामेंट वाला सेम, बस एक फर्क विधानसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे स्पीकर, वहाँ लोकसभा में भी स्पीकर। विधान परिषद का प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ चेयरमैन, वहाँ राज्यसभा में भी चेयरमैन। यहाँ पर भी एक डिप्टी स्पीकर होता है, ऐसे लोकसभा में भी था, यहाँ भी एक डिप्टी चेयरमैन है, ऐसे वहाँ राज्यसभा में भी था, सब सारा सेम एक फर्क। देश में वाइस प्रेसिडेंट तो अब एक ही है, उसी वाइस प्रेसिडेंट को आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाते राज्यसभा में, अब दूसरा वाइस प्रेसिडेंट तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नर का वो कोई वाइस गवर्नर नहीं होता, तो फिर राज्यसभा यहाँ के विधान परिषद का चेयरमैन कैसे आता है? तो विधान परिषद का चेयरमैन इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ होता है, जो विधान परिषद है वो अपने ही में से किसी सदस्य को चेयरमैन के तौर पे चुने, बस ये अंतर हो गया। राज्यसभा का चेयरमैन देश का उपराष्ट्रपति होता है, विधान परिषद का चेयरमैन कुछ नहीं है, वो उसी सदन के सदस्यों में से किसी एक को चुना है सदन के सदस्यों ने,
इतनी बात समझ में आ गई, इतना कुछ चैप्टर हो भी गया, बाकी और लिख देता हूँ। कैसे? देखिए अब सेशंस के बारे में समझ लेते हैं। सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सब कुछ है। समन कौन करता है सेशन? स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सेशन समन करता है? पार्लियामेंट के मामले में प्रेसिडेंट, तो यहाँ से गवर्नर। एडजर्नमेंट का प्रोसेस सेम पार्लियामेंट वाला, प्रोरोगेशन प्रोसेस सेम पार्लियामेंट वाला, बस एडजर्नमेंट में वहाँ उनका स्पीकर, यहाँ इनका स्पीकर, सिंपल कहा है। प्रोरोगेशन के मामले में वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर, वहाँ के प्रेसिडेंट को यहाँ के गवर्नर से बदलो, वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ के चीफ मिनिस्टर से बदलो, वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बदलो, वहाँ के अटॉर्नी जनरल को यहाँ के एडवोकेट जनरल से बदलो, बस इनका नाम बदलो, बाकी कार्रवाई सारी करो। जो अलग चीज़ है वो तो मैंने पहले निकाल के दे दी चैप्टर में, सारा कुछ पहले निकाल। डिसोल्यूशन प्रोसेस सेम, कोरम या तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, या 10, दोनों में से जो भी, दोनों में से जो भी मिनिमम हो, दोनों में से जो भी मिनिमम हो, कम से कम 10 मेंबर अपन को चाहिए। लेकिन 1/10 मेंबर अगर के पहाड़े के मुताबिक जाएं तो बनते हैं 15 मेंबर, तो फिर वहां पे 10 मेंबर से हाउस नहीं चलेगा, 15 मेंबर से चलेगा। दोनों में से जो भी मिनिमम है, समझ में आया? दोनों में से जो भी मिनिमम हो। अब जैसे कोई एक हाउस है, उसकी स्ट्रेंथ है मान लीजिए कि 200, तो उसका 1/10 कितना हुआ? 20। अब उसमें 10 मेंबर आ गए तो आप हाउस चला लोगे? विच एवर इज मैक्सिमम, दोनों में से जो भी कम है, हाँ दो, विच एवर इज मैक्सिमम, दोनों में से जो भी ज्यादा है मैक्सिमम कर दो। बेटा दिमाग लड़ाया करो तुम लोग, तो मतलब एकदम कोरोना ही टेंशन में चल रहे हैं। मान लो एक हाउस है, उसके 200 मेंबर हैं, तो उसका 1/10 कितना हुआ? 20। और आए कितने हुए हैं? 10। तो वहाँ पर कोई आदमी कह रहे कि मैंने पढ़ा था कि 10 मेंबर के साथ भी हाउस चलाया जा सकता है, चला सकते हो यहाँ पर? इस हाउस के मामले में मैक्सिमम फिगर कौन सी बनती है? 20, ना कि 10। तो 20 के दम पर हाउस चलेगा, आई बात समझ में? लेकिन अब कोई हाउस है, उसके मेंबर ही हैं, अभी हमने बताया कुछ ऐसे भी हाउस हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 60। जिनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 40। किसी किसी की तो 30 है। अब वहाँ पे 1/10 कितना हो जाएगा? 3 और 4। तो 3-4 मेंबरों से हाउस चलाने बैठ जाओ, कभी जिंदगी में हाउस ही नहीं चलेगा। वहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 10। वहाँ 10 मेंबर से चला लो। जहाँ पे 1/10 वाला फॉर्मूला से मैक्सिमम आ रहा है, वहाँ फिर 1/10 वाले फॉर्मूला से।